लेकिन जलियांवाला कांड के बाद एक लड़का कसम खाता उस दिन, मिट्टी हाथ में लेके, धरती मां की सौगंध है, करारा जवाब मिलेगा। उस लड़के का नाम था सरदार उधम सिंह। 13 मार्च 1940 को एक क्लब में घुस के उस सरदार उधम सिंह इंग्लैंड में इस माइकल ओडायर को मार देता है, इस पंजाब वाले गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या करता है। मुझे लगता है कि यार वो मारने तो लड़का इसी डायर को गया होगा, पर या तो उसे पता चल गया होगा कि यार ये डायर तो मर गया, तो उसने कहा ये नहीं तो वो डायर ही सही, या उसने पूछा होगा कि ये कौन है, लोगों ने कहा ये तो ओ डायर है, उसने कहा ओ डायर है ला तो इसको तो मैं सल्टाई देता हूं। 13 मार्च 1940 के अंदर वो माइकल ओ डायर की हत्या कर देता है। जब उस लड़के को पकड़ा गया और कहा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा सरदार मोहम्मद सिंह आजाद। हिंदू मुस्लिम सिख सब कुछ बन गया था। सिंह जी बोल रहे हैं कि सरदार उधम सिंह पर विक्की कौशल मूवी बना रहा है, तो इंतजार करेंगे कि पर्दे पर सरदार उधम सिंह को बहुत अच्छे तरीके से दिखाई जाए, देश के एक योद्धा की चीजें सामने आनी चाहिए। अंकेश का कहना है कि गंगानगर में सरदार उधम सिंह चौक है, क्योंकि गंगानगर पंजाब के पास में लगता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर सरदार उधम सिंह चौक होगा। हालांकि होना तो ये चाहिए कि बाकी जगह पर भी सरदार उधम सिंह चौक हो, उन शहीदों के नाम याद रखे जाएं। हम यदि सरदार उधम सिंह के बारे में केवल एक लाइन जानते हैं कि सरदार उधम सिंह वहां गए थे और उन्होंने मार दिया था उनको, तो ये बदकिस्मती है देश के इतिहास की कि हम हमारे महान योद्धाओं को उस रूप में याद नहीं कर पाए जिस रूप में उन्हें याद किया जाना चाहिए था। शायद अगली पीढ़ियां इन चीजों के साथ में न्याय कर पाए। चलिए, हनुमानगढ़ में भी शंकर बता रहे हैं कि हनुमानगढ़ में भी सरदार उधम सिंह के नाम पे चौक है। चलिए ठीक है। ये भाई ये तो इनकी वाली बात है ना, माइकल ओडायर की बात है जो बताता हूं। जनरल डायर बर्खास्त कर दिया गया था नौकरी से, रेजिनाल्ड डायर है जो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन फिर भी दो बातें। गुरप्रीत का कहना है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर यह हमेशा कलंक बना रहेगा। निश्चित रूप से गुरप्रीत तुम्हारी बात सही है, पर क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों किया था? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ऐसा क्यों कर देती है? उसने डायर को सम्मानित क्यों कर दिया? सरोपा के बारे में तुम और क्या जानते हो? हम ये भी जानना चाहेंगे तुमसे, यदि तुम सरोपा के बारे में भी और बातें जानते हो तो तुम लिख सकते हो। सरोपा तो मुकुट होता है, ये साफा नहीं बांधते अपने सिर पे, किसी का साफा बांध के सम्मानित किया तो सरोपा लगा के सम्मानित किया गया, सर पर ओपने वाला सरोपा जी। हुआ यूं कि गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ की स्थापना की। गुरु थे, गुरु की जो सिख मानते हैं वो सारे सिख थे। मैं यदि गुरु जी के जागे चरणों में धोख लगाता हूं और गुरु जी जो बातें कहते हैं उनको फॉलो करता हूं तो मैं एक सिख हूं। कालांतर में 10वें गुरु जी गोविंद सिंह जी तक आते आते एक बड़ी कम्युनिटी के अंदर वो लोग इकट्ठे हो चुके थे जो उन गुरुओं की बातों को माना करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको खालसा पंथ में दीक्षित किया एक तरीके से, पंच ककार जिसको हम कहते हैं, केस कंघा कड़ा कृपाण ये सब चीजें कटार भेंट कृपाण भेंट की उनको, योद्धा कौम के अंदर लेकर आए वो लोगों ने। इसके बाद में जो सिख थे वो केस रखने लग गए थे सिर पे, लेकिन गुरुद्वारे तो बहुत पुराने थे। गुरुद्वारे तो गुरु नानक जी की बात से स्थापित होने लग गए थे। गुरुद्वारों में जो महंत हुआ करते थे, गुरुद्वारों के जो पुजारी हुआ करते थे, उनको उदासी महंत बोलते थे। गुरु नानक जी ने एक यात्रा की थी, विश्व यात्रा की थी, जिसे उदासी कहा जाता है,
तो वो जो महंत उन गुरुद्वारों में थे उन्हें भी उदासी महंत कहा जाता था। पर वे जो उदासी महंत हुआ करते थे गुरुद्वारों के, वो बाल नहीं रखते थे, केस नहीं रखते थे सिर पे, मोने हुआ करते थे, वो इन पंच ककारों का पालन नहीं करते थे। इसलिए इन दिनों में सिखों के और उन गुरुद्वारों के उदासी महंतों के बीच में क्लेश चल रहा था। सिखों का यह मानना था कि इन उदासी महंतों से गुरुद्वारे खाली करवाए जाने चाहिए और गुरुद्वारों में सेवा का अधिकार इनको नहीं मिलके उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, पाठी उन व्यक्तियों को बनाया जाना चाहिए, पाठी जो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं उन्हें बनाया जाना चाहिए, जो पंचककार का पालन करे, जो गुरु गोविंद सिंह जी की जो बातें हैं उनको फॉलो करे, जो केस रखे, जो पगड़ी धारण करे। इसलिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो उदासी महंतों वाली थी और सिख आपस में उलझे हुए थे। सिख अकाली आंदोलन चला रहे थे, हम अकाल तख्त को पवित्र करेंगे वापस, इसको इन उदासी महंतों को यहां से निकालेंगे। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि उदासी महंत अंग्रेजों को सम्मानित करने लग गए। इस बात को आप यूं भी समझ सकते हैं कि आज भी कोई एक पार्टी गलत काम कर देती है, किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ गलत काम कर देती है, तो उस कम्युनिटी के कुछ लोग भी उस पार्टी को फिर भी सपोर्ट करते हैं ना। आज के सारे लोग उसके विरोध के अंदर आ जाते हैं। अभी भी तो खूब सारे लोग उस पार्टी का समर्थन करते हुए मिल जाएंगे आपको। एग्जैक्टली ये था, अपने अपने फायदे उठाने की बातें थी। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को उन दिनों में लग रहा होगा कि अंग्रेजों के नजदीक जाएंगे तो थोड़ा अपने को फायदा मिल जाएगा। किसी कार्यक्रम में उसे बुलाया होगा, ये नहीं, आप ये मत समझिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड करके आया था डायर, इस वजह से उसको कहा गया वेरी गुड तू ये काम करके इसलिए तेरे को सम्मानित किया जाता है। ये काम हो गया उसके बाद किसी कार्यक्रम में उसे बुलाया गया और बुला के उसे सम्मानित वगैरह कर दिया गया। हम तो कहते हैं भाई ये भी गलत था, ऐसे भी कैसे किया जा सकता है अपने आप के अंदर। एक वो काम गलत काम तो आदमी करके आया था, उसके नाम पर ये कलंक तो लगा हुआ ही था अपने आप के अंदर, पर इतिहास है। उसके बाद में ये उदासी महंत भी अधिक समय तक रह नहीं पाए थे, अकाली आंदोलन सफल हुआ था। गुरुद्वारों के अंदर वे महंत नियुक्त किए जाने लगे जो पंच ककारों का पालन किया करते थे, मेरा कहीं ऐसा पढ़ा हुआ था। गुरुप्रीत बता रहे हैं कि सरोपा जो होता है वो सिखों का सबसे बड़ा सम्मान है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद।